अंतरिक्ष में कब्जा करने की चीनी कोशिश को झटका। अंतरिक्ष में फटा चीन का घटिया रॉकेट। एक मिनट में खाक हुए दो चीनी सैटेलाइट। दुनिया पर धौंस दिखाकर इंटरनेशनल भू माफिया बनते जा रहे चीन को अब हर मोर्चे पर झटके लगने शुरू हो चुके हैं। पहले लद्दाख में भारत से और फिर दक्षिण चीन सागर में अमेरिका से तगड़ा झटका लगा। अब चीन को अंतरिक्ष में एक बड़ा झटका लगा है और एक ही झटके में चीन को करोड़ों का नुकसान हुआ है। वैसे करोड़ों रुपए से ज्यादा नुकसान उसकी साख को हुआ है, क्योंकि चीन सैटेलाइट लॉन्चिंग में भारत को पीछे छोड़ने में लगा है। लेकिन घटिया तकनीक से शर्मिंदगी झेल रहे चीन को इस बार सबसे बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उसका रॉकेट एक मिनट की उड़ान के बाद फेल हो गया। इससे उसके दो सैटेलाइट खाक हो गए। एक सैटेलाइट वीडियो शेयरिंग साइट बिलीबिली के लिए बनाया गया था, तो दूसरा नेविगेशन सिस्टम के लिए बनाया गया था। एंटी स्पेस 1 S2 सैटेलाइट था। बिलीबिली वीडियो शेयरिंग साइट का सैटेलाइट चांगवांग सैटेलाइट कंपनी लिमिटेड ने सैटेलाइट बनाया था। चांगवांग सैटेलाइट कंपनी सरकारी संस्थान चांगचुन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्टिक्स, फाइल मैकेनिज्म और फिजिक्स का हिस्सा है। ये चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस के तहत संचालित होता है। दूसरा सैटेलाइट यानी कि सेंटी स्पेस 1 S2 सैटेलाइट भी नष्ट हो गया। इसे विली 102 सैटेलाइट भी कहते हैं। ये एक लो अर्थ ऑर्बिट नेविगेशन सैटेलाइट था। ये संचार के लिए है। इसे बीजिंग फ्यूचर नेविगेशन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड ने बनाया था। इसरो को शिकस्त देने के प्लान को बड़ा झटका। चीन कुआई झो 11 रॉकेट के जरिए कॉमर्शियल लॉन्चिंग का बादशाह बनना चाह रहा था। दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया भर में कॉमर्शियल लॉन्चिंग में नंबर एक और सबसे भरोसेमंद देश भारत है। भारत दुनिया के दर्जनों देशों के सैटेलाइट्स की सफल लॉन्चिंग करता है, लेकिन चीन इसे पछाड़ नहीं पा रहा है। चीन में इस समय निजी कंपनियां स्पेस लॉन्च मिशन में शामिल हैं, लेकिन किसी को भी मनचाही सफलता नहीं मिल पा रही है। इन कंपनियों में प्रमुख हैं एक्सपेस, आई स्पेस, वन स्पेस और लैंड स्पेस। फिलहाल इस लॉन्च के फेल होने के बाद चीन की सरकार ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं, ताकि ये पता किया जा सके कि आखिर गलती कहां हुई और किससे हुई। कुआई झोऊ 11 रॉकेट प्रोजेक्ट 2018 में शुरू किया गया था। 2019 में इस रॉकेट के पहले स्टेज में परीक्षण के दौरान ब्लास्ट हो गया था। चीन का ये इस साल का 19वां लॉन्च था जो पूरी तरह से फेल हुआ है। इस साल चीन के 3 रॉकेट फेल हुए हैं। पहला मार्च में हुआ था, इसका नाम था लॉन्ग मार्च 7A रॉकेट। दूसरा अप्रैल में फेल हुआ था, इसका नाम था लॉन्ग मार्च 3B। इस रॉकेट के साथ इंडोनेशिया के पलापा N1 कम्युनिकेशन सैटेलाइट नष्ट हो गया था। धड़ाम होती चीन की अंतरिक्ष में उड़ान। अपनी विस्तारवादी और आक्रामक नीतियों की वजह से चर्चा में रहने वाला चीन अब अंतरिक्ष में अपनी शक्ति बढ़ा रहा है। धरती, आकाश और समुद्र के बाद अब चीन की नजर अंतरिक्ष में एक ताकतवर उपस्थिति दर्ज कराने पर है। साल 2022 तक चीन अंतरिक्ष में अपना अंतरिक्ष स्टेशन थीएन कुंग को स्थापित कर देगा। इसके बारे में बताया जा रहा है कि काफी लंबे समय तक अंतरिक्ष में ऐसी ऐसी जानकारियां चीन तक पहुंचाता रहेगा जिसके सामने कोई और नहीं टिक पाएगा। चीन ने बहुत चतुराई से रूस, जर्मनी, फ्रांस, इटली, संयुक्त राष्ट्र अंतरिक्ष विभाग, यूरोपीय अंतरिक्ष ब्यूरो के साथ अंतरिक्ष में अपना स्टेशन स्थापित कराने को लेकर समझौतों पर हस्ताक्षर करा लिए हैं। साल 2018 में ही चीनी अंतरिक्ष कार्यालय को लेकर वैज्ञानिक परीक्षण की घोषणा कर दी गई थी। इसके बाद चीन ने 27 देशों की ओर से कुल 42 प्रस्ताव पत्र हासिल कर चुका है। ये चीन की एक बड़ी जीत है जो अंतरिक्ष में अमेरिका और रूस को पीछे छोड़ सकता है। बड़ी बात यह है कि अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित होने से भारत के मुकाबले भी चीन काफी मजबूत हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अमेरिका और भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में पीछे धकेलने की कोशिश में लगे चीन को एक के बाद एक बड़े झटके भी लग रहे हैं। चीन अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना लोहा मनवाने की तैयारी कर रहा था। उस चीन को अंतरिक्ष में अपना कब्जा जमाने में अभी बहुत वक्त लग सकता है। इस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के फेल होने से पहले भी अंतरिक्ष में चीन का स्पेस स्टेशन बनाने और चांद पर इंसान भेजने की योजना फेल होती दिख रही है। अटलांटिक महासागर में गिरा था चीन का रॉकेट। चीन ने 5 मई को अपने मून मिशन के लिए तैयार किए गए लॉन्ग मार्च 5B प्रोटोटाइप स्पेसक्राफ्ट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया था, लेकिन 6 दिन बाद यानी 11 मई को रॉकेट न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क और हॉलीवुड के ऊपर से गुजरता हुआ अटलांटिक महासागर में जा गिरा, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, क्योंकि अगर ये रॉकेट न्यूयॉर्क के ऊपर गिर जाता तो भारी तबाही आ सकती थी। इस चीनी रॉकेट का वजन लगभग 18,000 किलोग्राम था और 11 मई को ही अटलांटिक महासागर में गिरा था। इसके अवशेष 30.48 मीटर के मापे गए हैं।
साइंस अलर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ये पिछले कुछ दशकों में मानव निर्मित अंतरिक्ष अवशेषों में से सबसे अहम अनियंत्रित गिराव था। हैरानी की बात यह है कि अंतरिक्ष से गिरते हुए इस रॉकेट पर चीन का कोई नियंत्रण नहीं था। चीन पूरी तरीके से रॉकेट पर से अपना नियंत्रण खो चुका था। अगर ये जरा सा भी दिशा चूकता और जमीन पर गिरता तो न्यूयॉर्क और हॉलीवुड में भारी तबाही मचा सकता था।